नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से और एक नए कमाल और फ्रेश स्टूडियो में। आज के स्टूडियो में हम बात करेंगे फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे सेल और अमेजोन के ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के जो भी धमाकेदार ऑफर हमको देखने को मिल रहे हैं, स्पेशली मोबाइल फोन्स या स्मार्टफोन्स के ऊपर, उनके बारे में बात करेंगे। जो बेस्ट डील मुझे अब तक लगी है सभी प्राइस रेंज में, उनके बारे में बात करूंगा। और सबसे बड़ा कन्फ्यूजन आपका क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, जो कि है सैमसंग S23, iPhone 13 और उसी के साथ में iPhone 15 सीरीज और सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है मयूर, आप देख रहे हैं MS BTech। तो दोस्तों, स्टार्टिंग करेंगे अंडर 10,000 रुपीज़ से। जो भी आपको 5G डिवाइस लेना है तो मेरा सजेशन रहेगा यहाँ पे M6 Pro 5G। पोको की तरफ से ये डिवाइस देखने को मिल जाता है आपको अंडर 10,000 रुपीज़। ये काफ़ी अच्छा डिवाइस साबित हो सकता है, लेकिन आपको एक बार फिर से चेक करना है। एक 7,500 रुपीज़ में और एक फ्लिपकार्ट के ऊपर डिवाइस देखने को मिल रहा है, लेकिन उसकी कंडीशन है एयरटेल प्रीपेड वो डिवाइस है। तो एक बार जरूर से चेकआउट करना और उसके बाद ही अपना डिसीजन बनाना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अंडर 15,000 रुपीज़ या 15,000 की रेंज में आने वाली डिवाइस, तो सबसे बेहतरीन डील मेरे ख्याल से रहेगी दोस्तों पोको X6। फिर से एक बार आप चेक कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपको सैमसंग का डिवाइस लेना चाहिए या आपको सैमसंग का ही डिवाइस लेना है मतलब, तो आप M35 इसके तरफ भी जा सकते हो, क्योंकि लगभग 18,000 का डिवाइस था लेकिन अभी लगभग 13,500 रुपीज़ में देखने को मिल रहा है। तो इसके ऊपर आप ज़रूर से चेकआउट कर सकते हो सैमसंग का डिवाइस से। तो बाकी कुछ चीज़ों में आपको मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, जैसे कि सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस हो गया, खाली आपको प्रोसेसर एक बार आप फिर से चेकआउट कर सकते हो। एक्सिनॉस का प्रोसेसर है, ये आपके ऊपर है। अगर सैमसंग का ही डिवाइस लेना है तो ये बेस्ट चॉइस रहेगी, अदरवाइज आप पोको X6 को भी एक बार ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। फटाफट से चलते दोस्तों अंडर 20,000 रुपीज़, तो यहाँ पे आईकू राज कर रहा है मेरे ख्याल से। मोटरोला और आईकू, इन दोनों के बीच का आप कोई भी, जो आपको ब्रांड अच्छा लगता है उनमें से कोई भी डिवाइस ले सकते हो। लेकिन अगर आपको थोड़ा परफॉर्मेंस सेंट्रिक डिवाइस चाहिए तो फिर आईकू की तरफ आ जा सकते हो। अदरवाइज़ आपको अगर थोड़ा मतलब स्टॉक एंड्रॉयड वाला एक्सपीरियंस चाहिए तो फिर आप मोटरोला का भी H40 जो भी सीरीज़ है यहाँ पे देख सकते हो आप अंडर 20,000 रुपीज़। जो भी आपको अच्छा देखने को मिल जाए उसकी तरफ जा सकते हो। अब बात आती है दोस्तों अंडर 30,000 रुपीज़, तो यहाँ पे अमेजोन के ऊपर OnePlus 11R ये डिवाइस देखने को मिल रहा है। लेकिन भूल के भी ये डिवाइस की तरफ मत जाना, काफ़ी पुराना डिवाइस है आपका, मतलब एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहेगा। लगभग आप 27,000 रुपीज़ के लिए पे करोगे, और जो भी प्रॉब्लम OnePlus की तरफ से देखने को मिल रही है स्पेशली 11 और 12 सीरीज़ में, तो एक बार आप इसको इग्नोर करना मेरे ख्याल से सही डिसीजन रहेगा। यहाँ पे आप सैमसंग का S23 FE एक बार चेक कर सकते हो, अगर आपका मतलब मेन मोटो परफॉर्मेंस नहीं है उस केस में। अदरवाइज आप इस डिवाइस को स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको AI फीचर्स चाहिए, सैमसंग का डिवाइस चाहिए कुछ प्रीमियम सेगमेंट में आने वाला, लगभग प्रीमियम आपको सब फीचर इसमें देखने को मिल जाएगी, तो एक बार आप इसको भी चेक कर सकते हो। और अब बात करते हैं दोस्तों थोड़े मिड रेंज या प्रीमियम लेवल की डिवाइस, जो कि अंडर 40,000 रुपीज़ देखने को मिल रहे हैं। दो काफ़ी धमाकेदार डील है दोस्तों, एक है S23 5G जो आपको लगभग 36,999 में देखने को मिल रहा है, और अमेजोन के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है iPhone 13 जिसकी कीमत अभी लिख के आई है 37,999। तो इन दोनों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन लोगों को क्लियर नहीं हो रहा है, मतलब दो काफ़ी कन्फ्यूज हो रहे हैं लोग इसमें। तो मेरे तरफ से एकदम सिंपल एडवाइस है दोस्तों, दो लाइन में ही बता दूंगा कि अगर आपको आईफोन का कीड़ा काटा है, मतलब अगर आपको सिर्फ आईफोन लेना है, फिर आप आईफोन 13 की तरफ जा सकते हो। अदरवाइज अगर आपको वीडियो निकालने हैं, आप जो भी डिवाइस परचेस करोगे उसके साथ सिर्फ आप वीडियोग्राफी करने वाले हो, उस केस में आप आईफोन 13 की तरफ जाइए, अदरवाइज आपके लिए S23 काफ़ी अच्छा डिसीजन रहेगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों फिर से अंडर 50,000 रुपीज़, तो आईकू 12 के ऊपर भी काफ़ी बम्पर डिस्काउंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मतलब ज़्यादा बम्पर नहीं है, 5,000 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। 47,000 रुपीज़ में 8th Gen 3 प्रोसेसर देखने को मिलता है। तो एक बार आपको अगर सिर्फ गेमिंग के लिए डिवाइस लेना है तो ये भी आप चेक कर सकते हो, और फिर आपकी तरफ आएगा आईफोन 15 सीरीज़। तो आईफोन 15 और आईकू 12 काफ़ी बड़ा मतलब एक कॉन्ट्रोवर्सी वाला पॉइंट है, तो आपके हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो 60Hz 120Hz एंड्रॉयड और iOS, ये दो मेजर पॉइंट है। ये डिसीजन आपके ऊपर है, आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, आपको कैसा स्मूथनेस चाहिए डिस्प्ले में, इन दोनों के बाद आप चेक कर सकते हो। अदरवाइज दोनों भी डिवाइस काफ़ी सही परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड कर देंगे। और अब बात आती है दोस्तों जो मुझे सबसे खतरनाक डील लग रही है अब तक की, S23 अल्ट्रा, जिसकी 75,000 रुपीज़ प्राइस रहेगी। बैंक या कार्ड ऑफर के साथ आपको और 5,000 रुपीज़ का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, तो इसकी इफेक्टिव प्राइस बनती है दोस्तों अंडर 70,000 रुपीज़ 69,999। और आपको लगभग मेरे ख्याल से आईफोन 15 प्लस 60,000 के आसपास और आईफोन 15 अंडर 50,000 रुपीज़ देखने को मिल सकते हैं। तो बात अब आपको समझनी है कि अगर आपको सिर्फ आईफोन लेना है फिर से, या आपको सिर्फ वीडियोग्राफी करनी है, उस केस में आप आईफोन 15 या आईफोन 15 प्लस की तरफ जा सकते हो। अदरवाइज S23 अल्ट्रा काफ़ी बेस्ट डिवाइस आपके लिए साबित हो सकता है, क्योंकि एक तो एक आपको इसमें सभी AI फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जो भी S24 अल्ट्रा में लॉन्च हुए थे सभी आपको AI फीचर S23 में भी देखने को मिलते हैं।
और साथ ही में अगर आपको बता दो दोस्तों तो S23 अल्ट्रा और iPhone 15 मतलब ये कंपटीशन इतना सही से नहीं बैठता है। S23 अल्ट्रा जो डिवाइस है वो लगभग 14 प्रो मैक्स या 14 प्रो इनका कॉम्पिटिटर था, तो उस हिसाब से आप एक बार बिल्कुल मतलब एक वो पॉइंट से या उस कॉर्नर से भी आप चेक कर सकते हो कि S23 अल्ट्रा आपके लिए कैसा साबित हो सकता है। अंडर 70,000 रुपीज़ मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी डील रहेगी, लेकिन अगर आपको फिर से सिर्फ आईफोन ही लेना है उस केस में आपके लिए आईफोन 15 या आईफोन 15 प्लस ऑलरेडी अच्छे डिस्काउंट में देखने को मिल जाएंगे। तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। अगर आपका कोई सवाल सजेशन या सुझाव हो जिससे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो को इम्प्रूव कर सकते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर लिख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए